पद्मावत रिलीज होने से पहले वीडियो वायरल, सिनेमा घरों को बम से उड़ाने की धमकी। पद्मावती अगर पद्मावत है तो हमने लट्ठों का नाम फूल और पेट्रोल का नाम गंगा जल रख दिया है। मदरसे में ओम का उच्चारण व गायत्री मंत्र का हो रहा पाठ। उलेमा काउंसिल का कहना, मदरसों में ओम का जाप तो मंदिरों में अल्लाह हु अकबर ही कहलाएं। एनटीपीसी में युवक की बेरहमी से हत्या। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 111 कन्याओं की शादी। जानिए क्यों नहीं देना चाहते हैं सिविल एनक्लेव के लिए ये किसान जमीन। जीआरपी ने छात्रों से बरामद किया मोबाइल, लैपटॉप और चाकू। कभी आजादी की लड़ाई का केंद्र था बरेली कॉलेज, जानिए क्या होता था। श्रमिक सम्मेलन में श्रमिक अधिकारों के लिए उठी आवाज। पद्मावत रिलीज होने से पहले वीडियो वायरल, सिनेमा घरों को बम से उड़ाने की धमकी। बरेली में विवादित बयान के बाद क्षत्रिय नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद एक और धमकी भरा वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें फिल्म की रिलीज पर सिनेमा घरों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और जितने हमारे हिंदू युवा हिंदू लोग हैं सब साथ में हैं, और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद कुंवर हरिवंश सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भुवनेश्वर सिंह, तमाम हमारे हिंदू संगठन पूरे ये जो मूवी रिलीज हो रही है इसमें साथ में है, और 25 तारीख को पूरे भारत में जितने भी ये सिनेमाघर हैं ये सब इन पे बम रख दिया जाएगा। कोई भी हमारा हिंदू, कोई भी हमारा आदमी देखने ना जाए। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मोदी जी से कि आप अगर इतने हिंदुओं के रखवाले हैं तो ये बंद कराइए, नहीं तो आप खतरे में पड़ जाओगे। और मोदी आप खतरे में पड़ जाओगे अगर ये पिक्चर नहीं, इसका आपको पढ़ना भुगतना पड़ेगा मोदी। और उत्तर प्रदेश में अगर जो भी हमारे संगठन जितने भी हैं, आप हमारी बात सुनिए पहले। हम ये कहना आपके माध्यम से चाहते हैं कि अगर ये पूरे भारत में रिलीज हो गई तो माननीय मोदी जी, राष्ट्रपति जी, रायता फैल जाएगा और इसका आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। मोदी जी हम नहीं चाहते कोई प्रदेश इसको बंद करे, मोदी करे। मोदी अगर नहीं बंद करते, लीला भंसाली और तमाम इनके घर ध्वस्त कर दे, इनको गोली में मारूंगा। और 25 तारीख को हमारी 21 तारीख को लखनऊ में बैठक है, वहां पर 501 युवा वहां आत्मदाह करने वाला है, और राजस्थान में 16,000 जो है हमारी रानियां आत्महत्या करने वाली हैं, जोहर करने वाली हैं। मैं बता दूं आपको पूरे भारत में ये सब व्यवस्था इनकी चौपट हो जाएगी, ग्रहित हो जाएगा। मैं इस मोदी से कहना चाह रहा हूं, माननीय मोदी जी अगर इसको रोक दें, क्योंकि अगर अभी प्रदेश अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री रोक दें तो, लेकिन अभी कोर्ट कहेगा कि ले चला दो, मोदी जी योगी जी की मजबूरी हो जाएगी। पद्मावती अगर पद्मावत है तो हमने लट्ठों का नाम फूल और पेट्रोल का नाम गंगा जल रख दिया है। मथुरा में क्षत्रिय समाज के लोगों ने जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। 25 जनवरी को फिल्म रिलीज हुई तो मथुरा के सिनेमा हॉल में आगजनी और तोड़फोड़ की जाएगी। जब क्षत्रिय समाज के लोगों से फिल्म का नाम पद्मावती से पद्मावत करने पर बात की गई तो उन्होंने कहा, पद्मावती अगर पद्मावत हो गई है तो हमने भी लट्ठों का नाम फूल और पेट्रोल का नाम गंगा जल रख दिया है। यदि 25 जनवरी को फिल्म पद्मावत रिलीज होती है तो जमकर फूल और गंगा जल बरसेंगे। निकाल के यार होटल में से यार में झटके बैठा दे।
हमारा पद्मावती का शुरू से ही विरोध है। इसमें लीला भंसाली ने हम लोगों को बेवकूफ बनाने का उसने काम किया है, कुछ कट लगा दिए हैं, पद्मावत कर दिया है, लेकिन जो पिक्चर है शुरू से उन्होंने जो बनाई है वैसी की वैसी है। हम लोग इसका विरोध शुरू से कर रहे हैं और ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत महासभा हमेशा से इसका विरोध किया है और विरोध आज भी है। और 25 तारीख इसमें डेट लगी है चलाने की, अगर गलती से किसी भी हॉल में तो पिक्चर चलती है तो ये क्षत्रिय महासभा और हमारे खंगार वंश के लोग भी इसमें सम्मिलित हैं, मिल करके इसका विरोध किया है और किसी भी कीमत पर उसको नहीं चलने देंगे। और ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत महासभा आपके चैनल के माध्यम से जो तलवारें हैं, जो क्षत्रियों की, हमारे पूर्वजों की जो हमारी धरोहर हम लोगों को मिली है, वो हमने धर रखी है, लेकिन चलाना हम नहीं भूले हैं। समय पे हम उसको चला भी सकते हैं, चाहे लीला बंसाली हो चाहे कोई भी बंसाली हो, ये अपने जो कानों में उनके में जो पैसा कमाने की भूख भरी हुई है, दीपिका पादुका के उसमें डांस करने की, पैसा कमाने की भूख भरी हुई है, हमारे महारानी पद्मावती को डांस करते उसमें पिक्चर में दिखाया जा रहा है। रानियों ने, राजाओं ने कभी डांस नहीं किया और हमारे इतिहास के साथ इन्होंने, डायरेक्टरों ने हमेशा छेड़खानी की है। अब ये हिंदू समाज और क्षत्रिय महासभा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे इतिहास के साथ अगर कोई भी डायरेक्टर छेड़खानी करता है तो निश्चित रूप से उसका विरोध करने का और जवाब देने का भी है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन करते हैं, ठाकुर राजनाथ सिंह जी से भी निवेदन करते हैं कि इसको, हमारी पहल को आप अपने कानों में पहुंचाएं और अपना पक्ष रखें सुप्रीम कोर्ट में कि हम अपने प्रदेश में कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन देने के लिए बिल्कुल बात भी नहीं है, बिल्कुल नहीं देंगे अगर किसी पिक्चर में हॉल में चलती है। क्या हमारे क्षत्रिय पुत्र इस देश की रक्षा करने के लिए सीमाओं पे डटे हुए हैं, जब हम लोग दुश्मन के तोप गोलों का सामना कर सकते हैं, हमारे क्षत्रिय पुत्र क्या लीला भंसाली की बनाई हुई इस पद्मावत फिल्म का हम विरोध नहीं कर सकते, इसे रोक नहीं पाएंगे? अगर हम इस फिल्म को रोक नहीं पाते हिंदुस्तान के कोने पर, तो क्षत्रिय कुल में हमारा जन्म लेना धिक्कार है। जिस तरह से सेंसर बोर्ड पैसा ले लेकर फिल्म के डायरेक्टरों को छूट दे देता है, महिलाओं की मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है, इसका क्षत्रिय समाज पुरजोर विरोध करता है। जो यहाँ पे जो लोग थे क्षत्रिय सभा के, इनका बेसिक विरोध था कि जो एक फिल्म है पद्मावत को लेकर के, ये अपनी कुछ आपत्तियाँ थी जिसके बारे में इनको स्पष्ट बता दिया गया कि इस संबंध में ऑलरेडी बातचीत हो गई है और स्पष्ट कर दिया गया कि कोई लाइन ऑर्डर की स्थिति किसी भी सूरत में टॉयलेट नहीं की जाएगी, जिसके आधार पर इन्होंने अपना ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देकर के अभी लोग इस नहीं, मुझे बाकी चीज़ों पे कोई कमेंट नहीं करना है, मुझे बेसिकली बस लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट पे मेरा फोकस है। स्थानीय हॉलों में अगर पिक्चर चलती है तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति रहेगी? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए मैं कह रहा हूँ ना, आप लोग कन्फर्म हैं और फिर मैं इस पे दृढ़ हैं और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है और इनको भी स्पष्ट बता दिया गया। और आपने देखा मदरसे में ओम का उच्चारण व गायत्री मंत्र का हो रहा पाठ, मदरसे में ओम का उच्चारण व गायत्री मंत्र का पाठ कराया जा रहा है। ये मदरसा पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी सलमा अंसारी द्वारा चलाया जा रहा है। थाना सिविल लाइन के भमोला स्थित मदरसे का नाम मदरसा चाचा नेहरू है, जो अल नूर चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत चलाया जा रहा है। अलीगढ़ में यहाँ मदरसे की सूरत बदलती हुई दिख रही है, जहाँ कुरान की धार्मिक शिक्षा के साथ ही ओम का उच्चारण और गायत्री मंत्र का पाठ भी कराया जाता है।
उलेमा काउंसिल का कहना, मदरसों में ओम का जाप तो मंदिरों में अल्लाह अकबर ही कहलाए। थाना सिविल लाइन के भमोला स्थित अल नूर चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत चलाए जा रहे सलमा अंसारी के मदरसे में ओम का उच्चारण और गायत्री मंत्र का जाप कराया जा रहा है। एक तरफ सलमा अंसारी की पहल की तारीफ हो रही है, वहीं इस पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। उलेमा काउंसिल ने मदरसों में गायत्री मंत्र और ओम के जाप पर बड़ा बयान दिया है। सबसे बड़ी समस्या आज जो चल रही है लाउड स्पीकर उतरवाने के को लेकर के और ध्वनि प्रदूषण के रूप में लेकर के, तो ये बना दिया गया है कि मुस्लिम समाज के मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाए जा रहे हैं, सिर्फ इसको हाईलाइट किया जा रहा है। जबकि कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि सिर्फ मुसलमान समाज के मस्जिद पर से लाउड स्पीकर को उतरवाए जाए, ये तो एक नाम लिया गया है कि धर्म स्थलों पर से जिसका परमिशन नहीं है उसको परमिशन लेकर के ही बजाए, तो ये तो बड़ी अच्छी चीज है। कोर्ट का जो फैसला है हम इसका मान्य करते हैं और सरकार इसको सख्ती से लागू करे, किसी के यहाँ किसी तरह का भेदभाव न करे। हज सब्सिडी खत्म कर दी गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हज सब्सिडी से जो हज करने जा रहे थे उन्हें क्या लाभ हो रहा था? लाभ तो हो रहा था एयर इंडिया को। अगर हज सब्सिडी खत्म कर दी गई बड़ी अच्छी बात है, उसके पैसे का यूटिलाइज करना चाहिए सरकार को। हाँ, जनता में खर्च करें, सरकारी योजना को लाएं और ये ना कि किसी एक प्राइवेट संस्था को देकर के उसे लाभ पहुंचाएं। इसके साथ मदरसों पे काफी सख्ती की जा रही है, मदरसे जो ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं करवा रहे हैं, इसके अलावा मदरसों में ओम का उच्चारण कराया जा रहा है, किस नजरिए से देखते हैं? जो है देखिए, ऐसा है, ये तो एक बिला वजह की बात है। मदरसा चल रहा है, किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर वो मदरसा चल रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी हिंदू समाज से हूँ और आज 9-10 साल से पार्टी के साथ चल रहा हूँ, तो हर मदरसे में जा रहा हूँ, हर मुसलमान समाज के पास जा रहा हूँ, तो कहीं इस तरह के भेदभाव की बात नहीं आती है। लोग कहते हैं कि मदरसे में जो है कि एक कट्टरपंथी की भाषा पढ़ाई जाती है, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं। हमारे गांव में भी मदरसा है, वहां हिंदू समाज के भी लड़के जाते हैं पढ़ने, वहां हिंदी मीडियम से भी पढ़ाई होती है। हाँ, एक चीज है, धर्म है तो हम अपनी किताब अपने धर्म की किताब पढ़ाते हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, मैं अपने हिंदू समाज के धर्म गुरुओं से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि मुसलमान समाज के धर्म गुरु ये अपने बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं धर्म की, और हमारे हिंदू समाज के धर्म गुरु जो ये हिंदुत्व हिंदुत्व कहते हैं, ये हिंदू के बारे में हिंदुओं को क्यों नहीं बताते? अभी आप जाएंगे यूट्यूब पे, संजय तिवारी हैं, नारायण दत्त तिवारी के पोते हैं जो मुस्लिम धर्म कबूल कर लिए हैं, अहमद पंडित के नाम से डालिएगा तो आ जाएगा। उन्होंने खुद कहा है कि मैं आचार्य की पढ़ाई पढ़ने के लिए, खुद कहा है कि पंडित में द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी ये तीन ही लोगों का सिर्फ शास्त्र की पढ़ाई पढ़ने के लिए दाखिला होता है। ऐसा क्यों? हमारे हिंदू समाज में भेदभाव है कि नहीं? हम भी शास्त्र की पढ़ाई पढ़ सकते हैं, हम भी धर्म की पढ़ाई पढ़ सकते हैं, अपने वेद की पढ़ाई पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद में भी उनको ये बताया जाता है कि आप जिस वेद की पढ़ाई पढ़े हैं उसको जाकर के समाज में मत बताइएगा। हिंदू समाज से कह दीजिएगा रामायण कहलवा लें, गीता पाठ कहलवा लें, हर कीर्तन कहलवा लें, लेकिन धर्म के बारे में जानकारी मत दीजिएगा। इससे आज ये जो द्वेष फैला है, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म, जो सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है हम लोगों का, ये सिर्फ यही कारण है कि हमें अपने धर्म के विषय में अच्छी तरह से जानकारी नहीं दी जा रही है। अगर हमें हमारे धर्म के विषय में अच्छी तरह से जानकारी दी जाती तो कहीं कोई धर्म किसी से झगड़ा भेदभाव करना नहीं सिखाया जी। और मौलाना वगैरह लोगों को शादी नहीं कराना चाहिए ऐसे जगह जहाँ डीजे बजता हो? हाँ बिल्कुल, डीजे जहाँ बजता हो वहाँ तो शादी नहीं कराना चाहिए, अलग की चीज है जो है, शादी करवाने क्यों नहीं जाएंगे जो है। लेकिन हाँ, डीजे बज रहा है, इस पे रोक लगाया जाए। इसका जवाब मेरे ख्याल से इसका आया करवा जी। नहीं बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, अभी तक ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। अभी तक 500 से ज्यादा तकरीबन इनकाउंटर हो चुके हैं पूरे प्रदेश में। उसके बावजूद आप एनसीआरबी का अगर आप डेटा देखेंगे तो प्रदेश में क्राइम की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इस तरह का कोई भी वो करेगा उसे ठोक दिया जाएगा। मैं एक टीवी चैनल पे एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें ये था, और 500 इनकाउंटर तकरीबन हो भी चुके हैं प्रदेश में अब तक पिछले 8-10 महीने में तकरीबन। उसके बावजूद क्राइम की स्थिति जहाँ थी वहीं पर,
ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों अगर क्रिमिनल मारे जा रहे हैं तो फिर क्राइम कर कौन रहा है। तो ये चीजें, ये आप उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक हिस्सा रहा है कि जो सत्ता में बैठता है वो क्रिमिनल्स को स्पॉन्सर करता है और सबके अपने अपने क्रिमिनल्स होते हैं। बाकी आप समझदार हैं, कौन मारे जा रहे हैं और कौन किसकी पुष्ट बनाई हो रही है। एनटीपीसी में युवक की बेरहमी से हत्या। थाना ताजगंज क्षेत्र के दिगनेर एनटीपीसी में एक युवक की अज्ञात बदमाशों द्वारा निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। मृतक शमशाबाद क्षेत्र का रहने वाला है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि युवक की लोहे के पाइप से पीटने के बाद उसे करंट देकर हत्या की गई है। हत्या की सूचना पर थाना ताजगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पता नहीं, यहाँ पे सुबह फोन गया था यहाँ से कि उसे कोई तकलीफ हो गई है, तो मैं भाग के आया यहाँ पे। यहाँ पे गेट पर पूछा तो उन्होंने कहा उसकी तो मृत्यु हो गई। बताया कैसे हुई और क्यों गिरा पड़ा है? और कुछ नहीं बताया उन्होंने। फोन किसने किया था यहाँ से? पता नहीं किसने फोन किया था, गाँव में एक लड़के पर फोन गया था, उसने बताया था घर पर जाकर। एनटीपीसी वालों ने नहीं बताया चीज को लेकर? नहीं बताया। ब्रह्मचारी क्या क्या मामला है ये है? क्या हुआ ये? भैया जी यहाँ में नौकरी करे रहा तू एनटीपीसी में, बहुत दिन के करो शांत नौकरी कर रहा हूँ यहाँ। आज क्या हुआ? अब भैया पतोरा जब मोड़ा के ढेर को मोड़ा गो वहाँ को माने कहीं भाई परेशानी है ये का है ये नहीं कही बांध जाएगी चुपचाप तीन जाते पूछ नहीं कहाँ जा रहे जाने कहीं कहाँ जा रहे हैं एनटीपीसी उन्होंने एक और मोड़ा पहुँचो फिर एक मोटरसाइकिल गई यहीं थी यहाँ क्योंकि जाए संग थे मोड़े बाकी बिन्ने जाएंगे कहते ये एफ आई आर तो बस गर्म में माई बहुत। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 111 कन्याओं की शादी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद की 111 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह कार्यक्रम प्रभात जागृति मंच कोसी कला मथुरा के सहयोग से आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार निर्धन के सहयोग के लिए तत्पर है, ऐसे कार्यक्रमों में सामाजिक संगठन आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं, वह सभी बधाई के पात्र हैं। हम चाहते हैं राम निवास जी भी जहाँ हो हमें भी कर लिया जानिए क्यों नहीं देना चाहते हैं सिविल एनक्लेव के लिए ये किसान जमीन। सिविल एनक्लेव के जरिए होने वाली आगरा की उड़ान में अभी कुछ हेक्टेयर जमीन रोड़ा बनी हुई है। प्रशासन द्वारा इस जमीन के मालिकों से लगातार बात चल रही है लेकिन समाधान नहीं निकल पा रहा है। जब तक ये जमीन अधिग्रहित नहीं हो पाती तब तक सिविल एनक्लेव का कार्य भी शुरू नहीं हो पाएगा। सिविल एयरपोर्ट बनना है यहाँ पे तो उसमें हमारी जमीन भी आ रही है और मकान भी आ रहा है। अच्छा, ये साहब के साथ मीटिंग हुई थी तो हमने बता दिया हमारी सरकारी रेट के साथ में सरकारी बोर्ड के साथ 18,000 रुपये हमारे 18 के दूर 36,000 बरते दिए जाए तो जमीन देंगे नहीं तो हम देने को कटाई खेती वाली को चार खेती वाली को हम चार गुना दे रहे हैं हम देने को तैयार। खेती वाली में कितनी जमीन है? 7 बीघे जमीन है जी, उसमें से 17 विषय का बैनामा कर दिया हमने गवर्नमेंट के नाम से और बाकी 6 बीघे। सरकार कितना रेट देना चाह रही है? सरकार रेट देना चाह रही है 9,000 कृषि का, लेकिन हम आबादी का लेना चाह रहे हैं। कितना मामला क्या है? देखो सिविल टर्मिनल में सबसे ज़्यादा शुरुआत हमने की थी, हमने सब किसानों की तरफ से लिख के दिया था कि हम जमीन देने को तैयार हैं। इसमें रेट्स में गड़बड़ करी है, जो आवासीय प्लॉट बने हुए हैं उनकी एग्रीकल्चर रेट लगा दी है। अब हमारी तो सब एग्रीकल्चर थी तो हमने तो रजिस्ट्री कर दी, केवल 10 बीघे जमीन रह गई हमारी सिर्फ, बाकी ये वाली जो हम पहले प्लॉट बेच चुके हैं इनको भोजराज को ये सब, तो इनको जो है अब इन्होंने इनमें मकान बना लिया है, बहुमूल्य मकान है इनका। तो आवासीय जो रेट है डीएम साहब की खुद की रेट है 18,000 रुपये गज की है और उसमें एक्ट में प्रावधान है कि आवासीय में 2 गुना दिया जाएगा, एग्रीकल्चर में 4 गुना दिया जाएगा, तो हमको एग्रीकल्चर में 4 गुना मिल गया। अब जिनके आवासीय हैं इनको जो है 2 गुना मिलना चाहिए, 36,000 रुपये गज के हिसाब से इनको मिल जाना चाहिए। अच्छा, फिर दूसरी बात हमको आश्वासन दिया था कि एक बच्चे को नौकरी मिलेगी, किसी को नौकरी अभी तक मिली नहीं है, ये भी आश्वासन है, ये भी चाहते हैं कि बच्चों को नौकरी भी मिल जाए। एक लोगों को जमीन सब जा रही है, बंजर पड़ी है, देखो सब एक्वायर तो कर ली उन्होंने लेकिन रजिस्ट्री तो तभी करेंगे जब हम करने जाएंगे, तो ये सब समस्याएँ चल रही हैं। इसमें जिलाधिकारी महोदय लगे हुए हैं लेकिन उनको रिवाइज रेट भेजनी चाहिए शासन को, जब तक रिवाइज रेट शासन को नहीं जाएगी जब तक ये पैसे नहीं मिलेंगे। जीआरपी ने छात्रों से बरामद किया मोबाइल लैपटॉप और चाकू।
आगरा कैंट जेआरपी ने ट्रेनों में चोरी करने वाले शातिर चोरों के गैंग को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। एसपी नितिन तिवारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी दी कि ट्रेनों में लूट छिनैती की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर चोर हत्थे चढ़े हैं। स्टोर रूम के पास आगरा झांसी ट्रैक पर ये 6 शातिर चोर चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इनके कब्जे से करीब 10,000 रुपये की नकदी, 3 लैपटॉप, 6 चाकू और 14 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। आगरा कैंट थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें इनके द्वारा अच्छी भूमिका निभाई गई है। जो 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो है अनिल कुमार उर्फ कक्का, अजय कुमार उर्फ प्रिंस, यूसुफ सोमदेव, गणपत सिंह और सतेंद्र गुप्ता। जो अभियोग जिनका अनावरण किया गया है वो है 226/17। ये सब चोरी की वारदातें हैं, करीबन 6 वारदातें पुलिस ने। कभी आज़ादी की लड़ाई का केंद्र था बरेली कॉलेज, जानिए क्या होता था। आज़ादी की लड़ाई में बरेली का भी अहम योगदान रहा है। आज भी स्वतंत्रता संग्राम की तमाम निशानी मौजूद हैं, इन्हीं में से एक है बरेली कॉलेज की इमारत। ये इमारत सिर्फ एक शिक्षण संस्थान ही नहीं है, बल्कि इस इमारत के सीने में आज़ादी की लड़ाई की तमाम कहानियां दफन हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1965 में राष्ट्रभाषा हिंदी के आंदोलन तक इस कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। खास बात यह है कि आज़ादी की लड़ाई में यहाँ के छात्रों के साथ ही शिक्षकों ने भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंका था। श्रमिक सम्मेलन में श्रमिक अधिकारों के लिए उठी आवाज़। पत्थर खदान, ईंट भट्टा, निर्माण एवं सनिर्माण, घरेलू कामगार आदि के अलावा असंगठित क्षेत्र कामगारों के लिए रोड स्थित राधा हरि गार्डन में श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। समारोह में विधायक हेमलता दिवाकर कुशवाहा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। प्रदेश स्तरीय इस सम्मेलन में श्रमिकों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन विधायक को सौंपा गया।